अध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि बीजेपी सरकार आने पर आरपीएससी को भंग कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के और हेराफेरी के मामले मुख्यमंत्री जी जनता जवाब मांगती है कि आप कहीं कहीं सारे मामलों में, सारे भ्रष्टाचार के मामलों में अलीबाबा आप ही हैं और आप ही की सरपरस्ती में यह भ्रष्टाचार हो रहा है। राजस्थान की जनता आपसे जवाब मांगती है और आरपीएससी जैसी संस्था को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों ने घोटाला किया है उनको सजा तो मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में आरपीएससी को बंद करके यूपीएससी की तर्ज पर एक अच्छी पारदर्शी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का भी काम करेगी। सीकर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पीएम नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर उन्होंने बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में तैयारियों का जायजा लिया। सीपी जोशी की कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। पार्टी के सभी पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को लेकर सीकर में सक्रियता बीजेपी की देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी राजस्थान में सीकर दौरे को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।